नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ डिस्क्लोज करेंगे किरण वातल, जो कश्मीर विश्वमात के संयोजक और फॉर्मर ब्यूरोक्रेट हैं। वात साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार। जब भी कश्मीरी समाज की बात की जाती है तो ये सवाल जरूर उठता है कि पलायन हुआ, उनका कत्लेआम हुआ, लेकिन उनको अभी तक न्याय नहीं मिल पाया। वक्तन वक्तन सरकारें बदलती रही, लेकिन आपने ताज़ा डिमांड ये किया है कि रिटायर्ड जस्टिस की अगुवाई में एक कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया जाना चाहिए, वो कमीशन इसकी इंक्वायरी करे और जो गिल्टी पाए जाएं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। लेकिन इतना लंबा समय क्यों लिया गया? देखिए विनोद जी, ऐसा नहीं है कि ये डिमांड बहुत देर से चल रही है जी। अब हम तो खुद गठन नहीं कर सकते हैं किसी भी कमीशन का। आप डिमांड कर सकते हैं जी। हम डिमांड कर सकते हैं जी। और आज की जो परिस्थिति है, जो मुल्क में माहौल है, इसमें हमें बड़ी आशा है कि ये जो दोबारा हम डिमांड कर रहे हैं रिपीटेडली, ये डिमांड हमारी जो है दिल्ली में सरकार, जम्मू कश्मीर की सरकार, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की, वो ये हमारी डिमांड ज़रूर मानेंगे। और एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं उनकी अगुवाई में, अंडर हिज चेयरमैनशिप, एक सिट का गठन करेंगे। और सीधा सवाल है कि भाई, अगर नीलकंठ जी गुंजू को शहीद हो गए, वो हम हमारे लिए, वो उन्होंने भी कुर्बानी दी है, उनका क्या कसूर था? हमारी कम्युनिटी तो पीस लविंग कम्युनिटी है। yes. तो उनको अगर उस वक्त जो दहशतगर्दी के सामने उन्होंने, जो टेररिस्ट थे, उन्होंने उन पर फायर करके 5-7 गोलियां लगाई और वो वहाँ 2.5-3 घंटे पड़े रहे, तो क्या ये कोई छोटी बात है? इस भारत जो हमारी जो डेमोक्रेसी है, वर्ल्ड वाइड वी आर प्राउड ऑफ आवर डेमोक्रेटिक कंट्री, और इस कंट्री में एक शख्स, एक जो समुदाय है वो पीस लविंग है, कभी वायलेंस नहीं करते, तो उनको आप ऐसे गिरा दो गोलियों से छलनी करके, और 3 घंटे 2.5 घंटे कोई उनको आए नहीं, उनका कोई वो नहीं था। मगर बात यह है, हम यही उनको याद दिलाते हैं, ऐसे एक नहीं है, ऐसे बड़े जो है हमारी शहादतें हुई हैं, और वो शहादतें उतनी इंपॉर्टेंट है जिस तरह बॉर्डर पे हमारा फौजी जवान हमारी हमारे लिए शहादत देता, मुल्क के लिए शहादत देता, इतना इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि हम वहाँ माइनॉरिटी में थे। तो अगर जो हमने इतने सालों से 47 से क्या मतलब 1100-1200 सालों से हमने वहाँ 100 सालों से हमने फेस किया, मगर हमने अपनी मातृभूमि नहीं छोड़ी। आज हमको इस माहौल बनाया गया सिर्फ हमको वहाँ से निकालने के लिए। हम वहाँ क्यों निकलते? कौन अपनी ज़मीन जायदाद छोड़ के और अपने जो पूर्वजों का वहाँ विरासत थी उसको छोड़ के निकलते? इसलिए हम चाहते हैं कि एक इसका लेकिन बात है साहब, आप क्या मानते हैं कि 5 अगस्त 2019 में जो बदलाव हुआ उसके बाद कश्मीरी विस्थापित पंडित या कश्मीरी पंडित समुदाय कश्मीर में पहले से ज़्यादा पेनिट्रेट कर रहा है, अपने मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहा है? आपको तो कई मरतबा हमने धार्मिक स्थलों में वहाँ पे देखा है, थोड़ा सा फर्क पड़ा है? देखिए ऐसा है कि आपको जो कोई भी कौम है, और पर्टिकुलरली हमारी जो है वर्ल्ड की सबसे जो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, जिसका आज की डेट में, मैं ज़बानी नहीं कह रहा हूँ, आप चेक कर सकते हैं, आज की डेट में हमारा 5099 कैलेंडर है, और उस कैलेंडर का हर साल का रिकॉर्ड है हमारे पास। और आज हम 9 अप्रैल को 5100 में जाएंगे, सप्तऋषि कैलेंडर है, संवत 5100 में जाएंगे, और वो ये दुनिया का सबसे पुराना है कैलेंडर है। और हमारे जैसे जो कैलेंडर उनका ही पुराना होता है, जिनका सनातन होता है, जो सनातन पे चलते हैं उनका ही कैलेंडर चलता है, और आज तक हम अपने सनातन के साथ जुड़े हुए हैं। उसमें हमारी जो फेथ है, जो हमारी आस्था है, जो पावर सेंटर है, वो हमारा अमरनाथ है, वो हमारा खीर भवानी है, वो हमारा शारदा देवी है, वो हमारा मटन है, वो हमारा ये है कोसरनाग है, वो हमारा गंगबल है। तो इसलिए जो वहाँ जाते हैं वो भोलेनाथ के, माता के श्रद्धालु बन के जाते हैं, वो मौत से नहीं डरते। कुछ पड़ा है ना? हाँ, मौत से नहीं डरते। पर्टिकुलरली जब से 370 गया हटा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ,
जो कश्मीर की मेजॉरिटी कम्युनिटी है, आप देखिए वो भी इंजॉय कर रहे हैं, उनको भी अपने बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनके, वो भी एक जो दुकानदार है वो सुबह जाता है शाम तक दुकान खोलता है, अदरवाइज 4 बजे दुकान बंद करता था वो, बहुत फर्क पड़ा है, फर्क नहीं पड़ा है। अब हमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो कहते हैं 370 से मुझे क्या मिला, ओ भैया आपको क्या मिलेगा, जब आपकी सिक्योरिटी इंटरनल सिक्योरिटी ठीक होगी, आपके बाल बच्चे ठीक होंगे, उसके बाद आपको मिलेगा। अभी तो वही नहीं, वो ठीक हो रहा है इस 370 और इससे जो हुआ, और जो हमारी बेटियां उनको वो हक मिला कि भाई आप बाहर शादी करोगे मगर यहाँ के हक आपके बदस्तूर रहेंगे। पहले वो कुछ नहीं था, पहले उनको निकालते थे, अगर उधर से उसका डाइवोर्स हो गया वो बेचारी ना उधर की होती थी ना इधर की होती थी, तो बहुत फर्क हुआ। दिस इज सी चेंज देयर आफ्टर दिस, बट इंडिविजुअल लोगों को, पॉलिटिकल बंदे जो हैं उन्होंने कोई ना कोई मुद्दा बनाना है, और इंडिविजुअल कहता है यार मेरे बिजनेस को क्या हुआ मेरे, ओ भाई वो बिजनेस आते रहते हैं जाते रहते हैं चलते रहते हैं, नौकरियां भी मैं कल 10 साल पहले कमिश्नर था आज नहीं हूं, तो मैं क्या कहूंगा जी ये गवर्नमेंट का खराब है। वाल साहब सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से कुछ पोलिटिकल पार्टीज के बड़े नेता अभी भी कहते हैं कि इन्होंने यूथ को जेलों में बंद किया तभी ये आर्टिफिशियल या कॉस्मेटिक शांति अमन है कश्मीर में, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े नेता जो चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं इस तरह की बातें करते हैं, भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले मेरा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, जी मुझे पता है मैं सोशल काम करता हूँ, आई एम सोशल एक्टिविस्ट, और पर्टिकुलरली माई फोकस ऑन माई स्नातन, मैं रिलीजियस काम करता हूँ, चाहे गोलियां चल रही हूँ, मैं आप कश्मीर में 9 तारीख को प्रोग्राम कर रहा हूँ, मेरा समाज कर रहा है, मेरी टीम कर रही है, तो उसका मेन संदेश यही है कि जो सप्तर्षि कैलेंडर जहाँ 2000 साल पहले एक आपस में बैठ के पूरी साल की योजना बनती थी, रिलीजियस योजना नॉट अदर योजना, तो वो सनातन के माध्यम से वहाँ से कैलेंडर ये निकलता था साल का, ये 9 तारीख को हमारा 5100 होगा जी। अब जो आपने क्वेश्चन उठाया कि ये रिलीजियस ये जो पॉलिटिकल बंदे, देखो अभी भी ये कहते हैं पॉलिटिकल जो लोग हैं जो खुद चीफ मिनिस्टर रहे हैं उनको आप पूछो, आप जब ये 88, 89, 90 में हमारे साथ ये वारदात हुई, ठीक है हमने तो किसी को चपेट नहीं मारी ना जी, हमको बंदूक लेके हमारे लोगों को जो उन्होंने हमारी किलिंग की वहां और इस हाथ की किलिंग की कि कौम जो सारी बरादरी है डर के यहां से भाग जाए, तो उस वक्त वो जो सीएम थे उस वक्त के वो क्यों वहां से भाग गए, वो उनके जो बाकी मिनिस्टर थे वो कहां गए, तो वो ऐसे उड़ गए जैसे बीइंग ए मेजॉरिटी कम्युनिटी बीइंग ए पावर विद द गन्स, उनके पास लोग थे उनकी सिक्योरिटी थी, जो बंदा सिक्योरिटी होते हुए वहां से भाग गया तो वो हमें कहेगा कि भाई आप क्यों निकला है वहां से, तो ये और आज वो हमें ये कहेगा कि मिला क्या हमें ये मिला। हम कहते हैं जो आदमी जब फौज लड़ाई करती है बॉर्डर पे दुश्मन मुल्क के साथ जी, अगर जनरल ही भाग जाए पीछे से जो लीड करता है तो कहां लड़ेगी कैसे लड़ेगी हाँ, कैसे लड़ेगी ये, तो इसी तरह 88, 89 और 90 में हुआ, और 89 में जब सी उधर गवर्नमेंट थी उधर जब किलिंग शुरू हुई आप देखिए उसमें मुस्लिम भी जो देशभक्त थे उनको भी मारा गया, ये नहीं है कि ये जो देशभक्त था वो यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर था बेचारा बाहर का उसको मारा गया जी। तो कहने का मतलब है एक महाज खड़ा किया जो लोगों को आगे यूज किया, और इनके जो थे ये भी उस वक्त उसी धारा में उनके गीत गाते रहे, और जब इनको लगा कि अब हो सकता हमारी किलिंग हो जाए तो ये भाग फरार हो गए। हमारा तो गरीब बेचारा जो था या जिसने अपना तो जान जायदाद सब छोड़ा, उसने कहा नहीं मेरे बच्चे मैं ठीक रहूंगा, मैं दोबारा कहीं जाके इनको उसको मैं इतना कॉन्फिडेंस था इतना इंटेलिजेंस थी कि मैं उसको दोबारा। मैं अपने जख्मों को कुरेदना नहीं चाहता लेकिन मैं चाहता हूं कि आप बताएं बयां करें उस वक्त कैसे हालात थे, मस्जिदों में किस तरह के ऐलान हो रहे थे, आप कितनी आयु थी आप? देखो मैं आपको ये आपको भी पता है मैं अक्सर श्रीनगर 2-3 महीने जाता था, मेरी जो एक्सटेंडेड फैमिली है जो उन्होंने मुझे हालात बताए हैं मैं वो आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। उस वक़्त ये था कि ये 88 से चल रहा था, और जो ये कहते हैं इलेक्शन में ये हुआ वो इट्स ऑल फॉल्स, इलेक्शन के रिगिंग विगिंग वो लटरम शटरम वो भी एक इशू है मैं नहीं कह रहा हूँ, मगर आपको पता हमारा दुश्मन मुल्क हमारे पीछे लगा है, उसने जब पंजाब में ये मिलिटेंसी स्टार्ट की वहाँ इन्फिल्ट्रेशन करी उधर उनके लोगों को बच्चों को भटकाया,
और उसके बाद उसने कहा यार मैं पंजाब में तो ये कर रहा हूँ, इसमें तो मुझे हो सकता रिजल्ट कितना मिले ना मिले, ये रिजल्ट कश्मीर से मिल सकता। वो फिर एक बालाकोट प्लान बना जी, उसके तहत उन्होंने कहा नहीं यहाँ से मजहबी चलाओ इशू, जिससे हम कहेंगे कि भाई इसको आज़ादी का नारा दो आप। तो वो और फिर जब उनको लगा नहीं आज़ादी नहीं तो लंबा गया, उन्होंने कहा पहले इनको तो निकलवाओ ना वहाँ से जो माइनॉरिटी में हिंदूज थे वहाँ। आपको पता हरी सिंह स्ट्रीट हाई स्ट्रीट सारी पंजाबी हिंदू थे जहाँ वो अपना कारोबार बिजनेस कारोबार जो थे सारा उनके पास था, एक भी नहीं छोड़ा उन्होंने, सबको वहाँ से निकाले। इट्स नॉट ओनली कश्मीरी हिंदूज कश्मीरी पंडित, इट इज हिंदू 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 जितना था चाहे वो पंजाब का था चाहे वो दिल्ली का था, जो जिनके पूर्वज वहाँ आए थे और वहाँ उन लोगों की सेवा करते थे, ऐसा सा वो उनका एक रोल था। और वो हमसे ज़्यादा कश्मीर से प्यार करते थे, उनका भी उतना हक था, मगर निकाल दिया सबको। तो ये एक हालात बनाए गए। आप देखिए जो एक बैंक, आपको पता सेंट्रल सर्विसेज में क्यों कश्मीरी पंडित थे, आप सुनिए ना, कश्मीरी पंडित जो था वो पढ़ाई में तेज था और वो हर आदमी एग्जाम पास करके बैंक में या एजी ऑफिस में बाकी जगह लगा या बीएसएनएल में आईएएस। जब वो निकले, जब जो उस पीएन था उस बैंक का, उसने कहा ये सोमनाथ निकलेगा तो मैं मैनेजर बनूंगा ना जी। तो वो एक वेस्टर्न इंटरेस्ट डेवलप हुआ उस वक्त जी। सारे लोग खराब नहीं थे मगर मैक्सिमम लोग डरपोक थे जो उस वेव में चल पड़े जी। मैक्सिमम लोग डरपोक बने जो उस वेव में चले। हम जो थे हमने अपनी जान बचाई अपने बच्चों की और खुद और निकल गए। कुछ लोगों को जो अन्न से शहादत देनी पड़ी इस सारे ये दिस इज दिस। अब हमारा यही रिक्वेस्ट है, हमें पता यही गवर्नमेंट कर सकती और कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकती, चाहे वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे ऊपर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हो। और मुझे, मैं आज बता दूं आपको, आज मैं आप दे रहा हूं, आप देखना जब वो तीसरी बारी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे इंडिया के विद इन 6 मंथ्स, देखने वो चीज़ें होगी कश्मीर के लिए हम सोच भी नहीं सकते, फॉर गुड फॉर गुड, चाहे वो कश्मीर की मेजॉरिटी कम्युनिटी है उनके लिए चाहे हमारे लिए गुड होंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसमें मैं ये कह रहा हूँ कि यही गवर्नमेंट है जो हमें इस वक्त दे सकती है। और एक चीज़ और बता दूँ आपके सामने, बात करनी है स्पष्ट, इसमें कोई वो पॉलिटिक्स नहीं, क्योंकि हम पॉलिटिकल बंदे ही नहीं हैं। हमने एज ए, आपको पता है एज कमिश्नर हमने जो नौकरी की, हमने तो उस वक्त जो पॉलिटिकल पार्टी थे कश्मीर के उनके साथ भी हम खड़े हो गए कि भाई गलत हो रहा है और हमको उसकी सजा भी मिली 2 बारी। अब कहने का मतलब है हम चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोदी जी कश्मीर में एक स्मार्ट सिटी दे दे। उस स्मार्ट सिटी के माध्यम से मैं श्योर करता हूं कम से कम 10-15-20 हज़ार फैमिली उस स्मार्ट सिटी में जाएंगी जो माइग्रेंट्स है। क्या ये आपने जो मसौदा बनाया है प्रस्ताव बनाया है क्या सरकार के साथ या यूनियन गवर्नमेंट के साथ डिस्कस किया है, क्या उनको कोई ऐसा? हम उनके पास बहुत टीमें हैं अपनी, जो हम कह रहे हैं हमारी आवाज़ वो उस प्रपोजल पे वर्कआउट करे, आई एश्योर यू कि जो होगी। और अगर कोई ऐसा है कि मुझे अगर कहते हैं बाय द वे कि आप कुपवाड़ा में आप रहते थे आप वहां वापस जाओ जहां हमारे 3 घर थे, बाकी घर थे मेजॉरिटी कम्युनिटी के, वो भी हमारे भाई है, उन्होंने कहा हमें से कोई नहीं है, बट बीच में कोई ऐसा बंदा आ जाता है बाहर से जो, क्यों कश्मीरी कौम पीस लोविंग है, जो बीच में से फिर हमको मारता है या फिर हमको भगाता है तो फिर क्या गारंटी है? इसलिए आपने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स देने हैं। उस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर में क्या है, आप एक स्मार्ट सिटी बनाओ, कश्मीरी हिंदू मुस्लिम सरदार क्रिश्चियन जो कश्मीर से निकला है 89 का सफरर है उसको उधर आने की दावत दो, उधर उसको इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दो सो दैट वो वहां 1-2 साल 5 साल रहे। जब उसका कॉन्फिडेंस बनेगा फिर अपने गांव में जाएगा, फिर रहेगा उसी गांव में। आप सीधा उसको कहोगे गांव में जाओ तो गांव में जाना इतना इम्पॉसिबल नहीं है और इतना इजी नहीं है, इसीलिए ये टाइम लग रहा है। कोई भी सरकार अगर कश्मीर का हल हमें रिटर्न करना चाहती है दिस इज द प्रपोजल, आप ट्राई करके देखो, मैं आपको कहूंगा ये प्रपोजल ही वर्केबल है और उसमें आप बाकी गांव में उसने जाना जाए ना, हम थोड़ी रोकते हैं, मगर जिसने अभी डर है जिसको जी, जिसको कॉन्फिडेंस नहीं आया उसको यहां आके कॉन्फिडेंस में। जम्मू दिल्ली ने तो अपने बेचारे रोजगारी में लगे हुए हैं जैसे मर्जी है, शाम की रोटी के लिए या अपने फ्यूचर के लिए लगे हुए हैं। आपने CBM की बात की, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर की बात की, एक मसौदा उन्होंने भी दिया है पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चीफ सजाद गनी लोन, उन्होंने कहा है कि 1987 में जो रिगिंग हुई है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल लोग जो हैं उनके खिलाफ FIR लगनी चाहिए, ये असल CBM है आपके लोगों को कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में। देखिए वो कह रहे हैं रिगिंग हुई है जी, दैट्स अगेन पॉलिटिकल इशू,
हमारा हम कहते हैं पहले उनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए जिन्होंने हमारे समाज में किलिंग्स की हैं जी, उनके वो फिर रहे हैं अंदर, उनको आइडेंटिफाई तो करो ना, क्योंकि वो आज सोए हुए चुप हैं। प्रेशर है फौज का, प्रेशर है आर्मी का, प्रेशर है बेल्ट फोर्स जितनी है, मगर जब प्रेशर किसी वक्त भी ईज हुआ वो फिर आके मारना शुरू करेंगे। आप उनको मुल्क के लिए उनको आइडेंटिफाई कीजिए, नॉट फॉर अवर कम्युनिटी। हमने कम्युनिटी ने जो सफर करना था वो किया, बट भारत जो है भारतवर्ष के लिए उनको आइडेंटिफाई कीजिए, सो दैट उनका जो नकाबपोश करना उनका बड़ा जरूरी है, और जो कानून कहता है उसके हिसाब से उनको ट्रीट कीजिए। कोई बने उसमें क्या हर्ज है? आपने 84 राइट्स कल किया नहीं, जो सरदार भाइयों मेरे भाइयों के साथ जुल्म हुआ दिल्ली में है, अनफॉर्चुनेट कितने बेचारे हो गए, उनका क्या कसूर था जी? तो अगर उनका 84 का आपने कमीशन बनाया उसका किया, व्हाई नॉट फॉर 84 के बाद 90, तो 6 साल बाद हुआ तो 90 में इसमें कोई ये पुराना हो गया, वो भी पुराना, आज कोई मर्डर करेगा और 10 साल भाग जाएगा, फिर वो हम कहेंगे पुराना मर्डर है आपने इसको छेड़ना। ये आपको पॉलिटिकली इसको करना पड़ेगा, और उसी से ये भारतवर्ष के लोगों के लिए है, सारे भारतवर्ष को लगेगा नहीं मेरे पीछे मेरी गवर्नमेंट है, जो आज की गवर्नमेंट है मेरे पीछे है, और ये अगर मुझे कोई मेरे सदस्य कोई धर्म के नाम पे या दुश्मन के नाम पे मारेगा ये नहीं छोड़ेंगे, उसको उसको बिल से निकाल के बाहर लाएंगे। दिस इज़ लेकिन अभी डिमांड तेज हुई है, यानी 89 से अप्लाइन हुआ, अब डिमांड ये तेज हो रही है, उसकी वजह क्या है? देखिए मैं आपको साफ बताऊँ, 89 में मेरा कज़न वहाँ था और उसने मेरे से टाइम फिक्स किया, यार 15-20 दिन के लिए हम गोवा जाएंगे। आप ध्यान से बात सुनना, वो गोवा तो वहीं रह गया, तो वो उसको निकलना पड़ा, वो चला गया दिल्ली, और वो उसको था मैं यार 15 दिन के बाद वापस चले जाऊंगा अपने घर। रियली 15 दिन कोई भी कश्मीरी पंडित फॉर एवर के लिए नहीं निकला वहां से, या कश्मीरी हिंदू या कोई भी पंजाबी जो था वहां, वो निकला यार यहां माहौल गलत है, 15-20 दिन महीने में आके, और उसके जो एक दो नेबर थे उन्होंने भी यही कहा जाओ चक्कर लगा के आओ जी। वो चक्कर जो लगाया वो वापसी वापसी हो ही नहीं रही अभी तक, तो इसलिए वो एक मतलब जो चीज़ है कि जो वापस लाना है ये गवर्नमेंट के लिए बहुत एक एक चैलेंजिंग टास्क है। वो यही तरीका है जो मैं तरीका आज आपको सुझाव कर रहा हूँ, आप किसी भी एंगल से देखो, क्योंकि मैं भी एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने 39 साल नौकरी की है, 39 ईयर्स मैंने कांग्रेस वालों को भी डील किया, मैंने एनसी वालों को भी डील किया, मैंने पीडीपी वालों को भी डील किया, मेरे पास बीजेपी वाले भी आते थे, मेरे पास आम पब्लिक भी आती थी, सारे आते थे जी। मैं मुझे इतना एक्सपीरियंस महादेव ने दिया है, मैं समझ सकता हूं कि कैसे ये जो पब्लिक को कैसे आप मोटिवेट करेंगे उधर जाने के लिए, उसके लिए यही तरीका है, एक स्मार्ट सिटी बना दीजिए, और हमारे जो ये हैं ये लोग वो उनको कहिए आइए जी आपका वतन आपके हवाले, तो उसके बाद जब आप खुश होंगे फिर अपने गांव में जाना है जाइए। अब हमारे बच्चे वहां पीएम पैकेज के हैं, आई एम थैंकफुल टू एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, फर्स्ट टाइम किसी ने डिसीजन लिया कि उनको प्रमोशन का साधन बनाया, उनको बीबी थी उधर कुपवारा बच्चा था एक साइड था, वो दूसरी साइड था अनंतनाग, उनको इकट्ठे किया फैमिली को, फिर क्वार्टर इतने बनाए, ये कोई छोटा काम है? आप कहते हो जी ये 370 से क्या फर्क पड़ा, ये इतना सुहा। अभी G20 हुआ, मैं गया था वहां, हमारा जिमनास्टिक का वहां शो था, तो वो तो लग रहा था मैं कहीं दिल्ली में हूं, वो लगता ही नहीं था श्रीनगर में, ऐसे पूरा भव्य स्वागत वहां हुआ उनका, सब हुआ, कहने का मतलब बदलाव बहुत हुआ। मगर अब जो 90% काम कश्मीर में जो है आज तक हो गया, अब 15-20% रहता है, तो उसको भी जैसे हमारा इशू एक है, इसमें एक कमीशन बन जाए, लगे हैं कमीशन 2 साल लगे 3 साल लगे, कम से कम कोई पता लगे, डर तरा तो रहे ना सबको। दूसरा ये हमारा इशू है जो हमने कल भी उठाया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि जो हमारे जो दिस एक आप बहुत पहले एम्प्लॉयमेंट ड्राइव चली थी पुलिस में, स्पेशल ड्राइव, वो ड्राइव चलाई जाए, पुलिस की बात कर रहा हूँ, तो और भी जो हमारे मंदिर ऑलरेडी एलजीएन प्राइम मिनिस्टर जी ने स्पेशल पैसा आया मंदिरों को करने के लिए, जैसिस जो मंदिर हमारे तोड़े गए हैं, जो हमारे वो है उन मंदिरों को करने के लिए, और जो अदरवाइज भी हैं उनको रेनोवेशन करने के लिए, तो ये एक अच्छी दिशा चल रही है। इस दिशा में अगर कुछ चीज़ रह जाती तो हमारा फर्ज बनता, हम किसे मांगेंगे, सरकार से ही मांगेंगे, तो मैं उससे क्या मांगूंगा जिसके पास पल्ले कुछ नहीं है, तो जो मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, दिस इज द मेन। वाता साहब आपने वर्कआउट किया है कि कितनी लैंड आपकी कब्जाई गई है और कितनी रिट्रीव करवानी है, कितने मंदिरों को डैमेज किया गया है,
उस पर कोई वर्कआउट किया गया आपने? देखिए मैं आपको ये स्पष्ट करूं, हमारे पास एक पूरा सर्वे किया हुआ है, किताब है जो हमारा प्रेमनाथ भट्ट मेमोरियल ये ट्रस्ट है फाउंडेशन, यहाँ वो एक अलग संस्था है, उन्होंने पूरा मंदिर जो आपको याद होगा जो टेंपल बिल के बारे में फाइट करते रहे, श्राइन बिल के बारे में, तो वो जो है वो पूरे कश्मीर के मंदिर और हमारी ओपन साइट्स में उसमें है, तो हम उनको तह दिल से सपोर्ट करते हैं और हम चाहते हैं वो मंदिर जो है उनके जो वहाँ उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं उन मंदिरों में एनक्रोचमेंट जहाँ है जो भी है, और रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है उधर मैंने बहुत दफ़ा अपने इसमें इंटरव्यू में कहा कि मैं चाहता हूँ एक रेवेन्यू ऑडिट किया जाए सब रिलीजियस प्लेसेस का, वो हमारे वहाँ जो है 47 में हमें विरासत में क्या मिला, ठीक है जी, 47 के बाद उस जगह में अगर 10 कनाल जगह थी या 100 कनाल जगह थी आज की डेट में कितनी है, जो बाकी है वो एनक्रोच है, ये तो गवर्नमेंट 2 मिनट में कर सकती है, इसमें कोई इतना मसला नहीं है, शमशान भूमि हमारी है, मंदिर है हमारे, ओपन साइट्स है हमारे, उधर कर लीजिए सर्वे, खुद इनक्रोचमेंट निकल आएगी, नंबर वन। नंबर दो जो है कि जो ये हमारी साइट्स हैं ये जो आपको पता है पिछले 2-3 साल से जब से हमारे श्री मनोज सिन्हा जी आए हैं, ऑनरेबल जी, इन्होंने ऐसा माहौल तैयार किया कि अब टूरिस्ट वहाँ आज की डेट में कमरा नहीं है रहने के लिए, मतलब जो कमरा 1000-2000 में था वो 5-6 हजार में चला गया सीधा 5 टाइम, और इसलिए लोग भी बहुत कहते हैं यही असली कश्मीर है, वो कश्मीर नहीं जो पत्थरबाजी और बाकी चीज़ों में होता था, तो उसमें हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि वहाँ पे ऐसी ऐसी जगह है रिलीजियस जो है पिलग्रिमेज वो शुरू कीजिए, वो लेजर तो चल रहा है फर्स्ट क्लास, रिलीजियस से क्या होगा, रिलीजियस में अभी सिर्फ अमरनाथ हमारा जो 2 महीने चलता है वो है, या खीरवानी हमारा जो जाते हैं, बट कुछ ऐसी अननोन डेस्टिनेशन है रिलीजियस डेस्टिनेशन जो हजारों सालों से है, जैसे कोसर राग है, जैसे गंगबल है, जैसे बहुत से है, मैं आप जबानी कितना बता सकता हूँ मैं, तो वो अगर स्टार्ट हो जाए उससे जितने भी हमारे लोग हैं भारतवर्ष से जो है वो आएंगे देखेंगे, और जो यहाँ लोकल्स रह रहे हैं गांव में, गांव वालों को भी उनका आने का फायदा होगा, उनकी जो अनएम्प्लॉयमेंट का कहीं भी कोई करना चाहता है, कोई अपना वहाँ लॉन्च बनाना चाहता है, कोई अपना टेंटेज देना चाहता है, उनको भी उसका फायदा होगा, और ये जो खुशहाली है पूरे एंड बॉर्डर के एंड गांव तक हमारे पहुँचेगी इस वजह से, अगर हम रिलीजियस टूरिज्म भी वहाँ पिलग्रिमेज भी स्टार्ट करें इन कंटिन्यूटी, वो बड़ा ज़रूरी है। वक्त साहब, कहा जाता है कि लैंड टू टिलर एक्ट पहली स्ट्राइक थी हिंदुओं पर, माइनॉरिटी पर, आप मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, लैंड टू टिलर एक्ट इसलिए लाया उन्होंने कहा कि अगर किसी हिंदू के पास 100 कनाल जगह है, हिंदू ऑलरेडी माइनॉरिटी में है, आप उसको कैसे उसकी वो जीत सकते हो, उसको तो आपने कंसेशन देनी चाहिए। अब देखिए सारे भारतवर्ष में जो कम्युनिटी माइनॉरिटी में उनके लिए तो माइनॉरिटी कॉलेज खुले हुए हैं, तो हम यहाँ माइनॉरिटी में, तो हमारे लिए माइनॉरिटी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो हम पे लागू ही नहीं हुआ, तो ये तो सबसे बड़ा ब्लंडर है, और उल्टा हमको घर से बेघर कर दिया, पहले हमारी जमीन ले ली फिर हमको 90 में निकाल दिया वहां से, तो ये कौन सा इंसाफ है, तो मतलब कि और हम हिस्ट्री देखो, हम हमारा लास्ट 1339 में तक हमारा वहाँ सारा था, फिर उस पर ऐसा दौर चला तलवार का दौर, तलवार के दौर पे ये, और मैं आपको बता दूं जो अफगानी आए थे ना उन्होंने जो आज की मेजॉरिटी करने उनको भी नहीं बख्शा है उस 250 साल में, तो ये हर हम ह्यूमन बींग है, वहाँ लोग पीस लोएंगे देयर इज नो डाउट, मगर भड़कावे में एकदम आ जाते हैं जो लोग, वही खराबी करते हैं, हमने आइडेंटिफाई करना है जो उस टाइप के वहाँ लोग हैं उनको चेक करना है, और भी उन पर प्रेशर है ऐसी बात नहीं है, मगर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जस्टिस लगाइए, वो बंदे निकाले जाएं कि जो बंदे क्योंकि इस वक्त वो आगे बिजनेस में उधर इधर दिल्ली बम्बई गोवा जाके अपने आप को उन्होंने रखा है कि हम बड़े इनोसेंट हैं, उनको निकाल आइडेंटिफाई कीजिए और उनको शलाखों के पीछे एज पर द लॉ डालिए। लेकिन एनसी तो कहती है कि लैंड टू टेलर एक्ट सबसे बड़ा रिफॉर्म था। रिफॉर्म किन के लिए था? उनके वोटों के, उनके लिए, मेजॉरिटी के लिए। मेरे लिए क्या रिफॉर्म था? अब मैं, आपने कोर्ट डाला, मैं आपका कोर्ट जो है वो ले लेता हूं और आपको कहता हूं ये जेब अपने पास रखो एक छोटी सी है, या कॉलर अपने पास रखो, ये कौन सा रिफॉर्म हुआ? आपने माइनॉरिटी को वो किया, ये टारगेट किया है, वो एक अलग टारगेट था,
एक कानून बना दिया, क्योंकि यहाँ दो दो यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन अलग था, उनके हाथ में पावर थी, उन्होंने कानून बना के आपसे सब कुछ छीन लिया, विच इज वो भी हमको ठीक करना चाहिए, वो जिस दिन ठीक, वो बड़ा जरूरी है जी। आप एक बंदे को क्यों बेनिफिट दे रहे हो? हाँ देना है उसको, आप सरकारी लैंड आपके पास इतनी आप दे दो उसको, हमें कोई एतराज नहीं है, मगर जो मेरे पुरखों की जायदाद है उसको कैसे आप दे सकते हो जी? ये भारतवर्ष में कहीं हुआ ऐसा कि जिसके पास 200 कनाल जगह थी उसकी गवर्नमेंट ने 180 कनाल ले ली जी? ये कहीं हुआ तो हमारे साथ। आखिरी सवाल आपका, आपका नया साल शुरू होने वाला है, नए साल को शुरू लेकर के मुझे लगता है कि डाउनटाउन में एक बड़ा प्रोग्राम आप करने जा रहे हैं, क्या है वो प्रोग्राम थोड़ा सा? प्रोग्राम ने देखो ये महादेव की कृपा है जी और माता खीर भवानी की, तो हमें उनका आदेश हुआ कि इस बारी बेचारनाग एक जगह है डाउनटाउन में जहाँ तकरीबन 60 कनाल जगह हमारी है, 8-10-12 कनाल एनक्रोच हुई है, बाकी अभी भी हमारी है। वो बेचारनाग का परिसर जो है वो बड़ा शैबी कंडीशन में है, तो 2 साल में पहले गया था तो वहाँ मुझे लगा यार इतना ऊपर वाले की ऑलमाइट महादेव का इतनी अच्छी बावली नाग, मतलब ऐसा फ्रेश वाटर लोग पीने के लिए ले जाते हैं, और मंदिर तो बिल्कुल उस डिलिपिलेटेड कंडीशन में था, तो पता नहीं क्या बात हुई मैं आ गया, मुझे ख्याल चलता रहा। इस दफ़ा ऊपर वाले का आया डायरेक्शन आपने वहीं से शुरुआत करनी है। शुरुआत करने का मतलब ये है कि उस चीज़ को जो हमारी बुज़ुर्गों की विरासत है 2-3 हज़ार साल से वो चल रहा है वहाँ, उसको हमने दिखाना है, दोबारा उस पोजिशन में लाए जहाँ वहाँ पूजा अर्चना हो। इसके लिए हमने जो था एक दफ़ा हमें मौका मिला, हमने हरियाणा गवर्नर साहब से इंटरेक्ट किया तो उनको कहा हम ऐसे हमारा कहते हैं मैं वहाँ आऊँगा आप प्रोग्राम कीजिए, एक वो आ रहे हैं, एक हमारे साथ आप ज्ञानानंद जी गीता पे जो ये अथॉरिटी है वर्ल्ड में तो वो भी आ रहे हैं वहाँ पे, तो एक हमारे वाइस चांसलर यंग वाइस चांसलर हमारी कम्युनिटी है राज नेहरू जी वो भी आ रहे हैं वहाँ पे, और 9 तारीख को भव्य प्रोग्राम हो रहा है, मैं आपको भी इस माध्यम से इन्वाइट करता हूँ, और दूसरे जो हमारे बरादरी के जम्मू के डोगरे भाई हैं मेरे हैं उनको भी इनवाइट करता हूं, बाकी समाज को भी इनवाइट करता हूं, वहां आइए इस प्रोग्राम की शोभा बनाइए, ये आपकी विरासत है, हेरिटेज है। डोंट, जो बंदा हेरिटेज अपनी छोड़ेगा या उसको ओका करेगा किसी के हाथ में लगने देगा उसको, या मतलब फिर ऊपर वाला महादेव माफ नहीं करेगा। बस यही मेरा आज का आपके साथ गुफ्तगु में, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे मौका दिया अपने गुलिस्तान में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नमस्कार। तो दर्शकों बने रहिए देखती दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।